तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै जय जिनेन्द्र छेड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सिद्ध अवस्था की चर्चा चल रही है, सिद्ध अवस्था का क्या स्वरूप है इसको हम आज चर्चा करेंगे। मंगलाचरण से अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोए सवसाउणम् तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। जय बोलो मुनि भगवंतों की जय, तीन कम नौ करोड़ मुनिराज की जय। सिद्ध भगवान के स्वरूप की चर्चा आज हम करेंगे। अब तक हमने ये समझा कि कैसे मुनिराज शुद्धोपयोग के बल से अनंत अवस्था को प्रकट करते हैं और वही अनंत जीव जब आयु का क्षय होता है तो सिद्ध बन जाते हैं। जब आयु का क्षय होने पर एक शरीर को छोड़ते हैं तो दूसरा नया शरीर धारण नहीं करते हैं और आत्मा इस शरीर से पृथक होकर और केवल आत्मस्वरूप से अर्थात शुद्धात्म रूप से लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाती है। यदि यह जीव अगले शरीर को धारण नहीं करेगा और इस शरीर को छोड़ देगा तो वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगा। हम हर पर्याय में अगली पर्याय की आयु बांध लेते हैं और अगले शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए संसार के पात्र बने रहते हैं। जो जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं वे उस पर्याय में नई आयु नहीं बांधते और चार घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत अवस्था को प्रकट करते हैं। अनंत अवस्था प्रकट होने के बाद जब तक उनकी आयु शेष रहती है तब तक वे अनंत अवस्था में रहते हैं, पश्चात उस आयु का क्षय होने पर शरीर से छूट कर और अशरीरी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उसी समय उनके चार अघातिया कर्मों का भी क्षय होकर अर्थात आठों कर्मों से रहित हो जाते हैं और समस्त प्रकार के परद्रव्यों का कर्मों का संबंध छूट जाता है। और सिद्ध भगवान की क्या क्या विशेषता होती है इसको हमने आठ गुणों के माध्यम से भी समझा था। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर अथवा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, छायिक सम्यक्त, अगुण लघु, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व और सूक्ष्मत्व, ये सिद्ध भगवान के आठ गुण प्रकट होते हैं। और सिद्ध भगवान की क्या क्या विशेषता होती है इसको हम दौलत राम जी के अगले दोहे के माध्यम से विचार करते हैं। निज माही लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित थे रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय धनी धन्य है जे जीव नर भव पाय यह कारज किया तिन ही अनादि भ्रम पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। भावार्थ। सिद्ध भगवान की आत्मा में लोक और अलोक अपने गुण व पर्याय सहित प्रतिबिंबित होते रहते हैं। उन्होंने जिस प्रकार सर्व सुखकारी मोक्ष पाया है उसी प्रकार वे अनंत काल तक वहां रहेंगे। वे जीव धन्य हैं जिन्होंने मनुष्य भव पाकर मोक्ष प्राप्ति का कार्य किया है।
ऐसे ही जीवों ने अनादिकाल से चले आ रहे पंच परावर्तन रूप संसार को त्याग कर उत्तम सुख की प्राप्ति की है। निज माँ ही अर्थात अपने में लोक अलोक, लोकाकाश अर्थात तीन लोक, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीनों लोक के और अलोक के जितने द्रव्य है उन समस्त द्रव्यों को, उनके समस्त गुणों को और उनकी अनंत पर्यायों को सिद्ध भगवान एक समय में जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा निज माँ ही अर्थात सिद्ध भगवान अपने में, अपने आत्मा में निज माँ ही लोक अलोक, लोक और अलोक को निज माँ ही लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित है, अर्थात उनकी आत्मा में लोक और अलोक अपने समस्त गुण और पर्यायों सहित प्रतिबिंबित होते हैं। इस संसार में अक्षय अनंत जीव द्रव्य है, जीव से भी अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल से भी अनंत गुणे तीन काल के समय है, तीन काल के समय से भी अनंत गुणे आकाश के प्रदेश है। ऐसे अक्षय अनंत राशियां संसार में है, अक्षय अनंत द्रव्य है। जिस राशि का कभी क्षय न हो उसे कहते हैं अक्षय, अर्थात जीव राशि इतनी है कि यदि हम उसमें से निकालते भी जावे तो भी उस राशि का कभी अंत नहीं आता। तो ऐसी जो अक्षय अनंत द्रव्य राशि है, अक्षय अनंत जीव राशि, अक्षय अनंत जो द्रव्य है, और अक्षय अनंत तो द्रव्य, अक्षय अनंत द्रव्यों को जिनेन्द्र भगवान एक साथ एक समय में जानते हैं। इतना ही नहीं, एक एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं और एक एक गुण की तीन काल की अनंत पर्याय होती है, तीन काल के समय अनंत होते हैं और एक एक गुण की यदि एक एक पर्याय का विचार किया जाए, अर्थात एक ही गुण की पर्याय का विचार किया जाए तो एक गुण की तीन काल के जितने समय होते हैं उतनी ही पर्याय होती है। तो एक गुण की अनंत पर्याय और एक एक पर्याय में अविभाग प्रतिच्छेद अर्थात शक्ति का अविभागी अंश, ऐसा जो अविभाग प्रतिच्छेद होता है वह भी अनंत होता है। अर्थात इस संसार में द्रव्य अनंत और एक एक द्रव्य में गुण अनंत, एक एक गुण की अनंत पर्याय और एक एक पर्याय के अनंत अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, इन सब को सिद्ध भगवान एक साथ एक समय में जानते हैं। ऐसा जो सिद्ध भगवान का ज्ञान का भोग होता है वह वास्तव में अलौकिक होता है। उस एक समय के ज्ञान के सुख की उपमा संसार के किसी सुख से नहीं दी जा सकती। इस संसार में जितना भी सुख है पांच इंद्रिय के विषय भोग का भी, वह सारा सुख भी ज्ञान से ही संबंधित है। हम लड्डू खाते हैं तो लड्डू के रस का ज्ञान ही करते हैं, ठंडी गर्मी का भी ज्ञान करते हैं, उसी प्रकार गंध का ज्ञान करते हैं, रूप का ज्ञान करते हैं। जब एक एक विषय के ज्ञान में इतना आनंद लगता है तो जब तीन लोक और तीन काल के सभी पदार्थों का एक साथ एक समय में ज्ञान होता होगा तो उस आनंद का क्या कहना। तो ऐसे सिद्ध भगवान अपने अंदर लोकालोक के समस्त द्रव्यों को और एक एक द्रव्य के अनंत गुणों को और एक एक गुण के अनंत पर्यायों को उनके समस्त अविभाग प्रतिच्छेदों सहित एक साथ जानते देखते हैं। और सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है इसको हम एक अल्पविराम के बाद समझें। जय जिनेन्द्र छेड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। सिद्ध अवस्था के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। सिद्ध अवस्था के स्वरूप में हमने चर्चा की कि सिद्ध भगवान एक बार सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद में पुनः संसार में कभी लौटते नहीं हैं और वे अपने आत्मस्वरूप में, अपने आत्मा में तीन लोक तीन काल को देखते हैं, अर्थात उनकी आत्मा में तीन लोक और तीन काल प्रतिबिंबित होते हैं। निज माँ ही लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित है, अर्थात उनकी आत्मा में तीन लोक और तीन काल, तीन लोक ही नहीं अपितु अलोकाकाश भी
समस्त द्रव्य और उनकी समस्त गुण और उनकी समस्त पर्याय एक समय में प्रतिबिंबित होती है। रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। एक बार जो मोक्ष स्वरूप से परिणम जाता है, अर्थात जो एक बार मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वो अनंत काल तक वैसी की वैसी अवस्था में रहता है। अर्थात एक बार मोक्ष अवस्था होने के बाद पुनः कभी संसार अवस्था नहीं होती। रही है अनंतानंत काल, अर्थात वे मोक्ष में अनंतानंत काल तक, जैसे एक बार प्रकट परिणमन किया उन्होंने, जैसे एक बार सिद्ध अवस्था में परिणमन हुआ, वैसे के वैसे सिद्धत्व रूप से वे अनंतानंत काल तक रहते हैं। रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। जैसे वे मोक्ष स्वरूप से परिणमित हुए, वैसे के वैसे मोक्ष स्वरूप से अनंतानंत काल तक रहते हैं। जैन दर्शन के अंदर भगवान कभी लौट कर नहीं आते। अनेक लोग भजन गाते हैं, एक बार तो आना ही पड़ेगा, कभी वीर बन के, महावीर बन के, आदिनाथ बन के, पारसनाथ बन के। वास्तव में जैन दर्शन के अंदर जो जीव एक बार मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, वह पुनः लौट कर नहीं आता। जैन दर्शन में अवतारवाद नहीं माना गया है, अर्थात जैन दर्शन में भगवान पुनः संसार में लौट कर नहीं आते। अन्य मत में भगवान को पुनः पुनः संसार में आना दिखाया गया है, इसीलिए वहाँ पर अनेक प्रकार के अवतार माने गए हैं, कभी राम बन के, अनेक प्रकार से बनकर। लेकिन जैन दर्शन के अंदर महावीर महावीर है। एक बार जो महावीर भगवान मोक्ष ले आते हैं, वह पुनः महावीर बनकर अथवा कोई भी जीव पुराने तीर्थंकर के रूप में अवतार ग्रहण नहीं करता। हमने अन्य मत के भजन तो लिए हैं, लेकिन हमने वैसे के वैसे लेने के कारण और अवतारवाद की मान्यता को अपने अंदर स्थान दिया है। वास्तव में हमें कोई भी चीज़ की नकल करने के पहले अपनी अकल लगानी चाहिए कि इससे किसी प्रकार के सिद्धांतों का हनन तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ ये कहा है कि जो जीव एक बार मोक्ष स्वरूप से परिणम जाता है, वो वास्तव में अनंत काल तक पुनः कभी संसार अवस्था में नहीं आता, अर्थात सिद्ध होने के बाद में जीव कभी संसारी नहीं बनता। धन्य धन्य है वे जीव नरभव पाए यह कारज किया। धन्य है वे जीव, वास्तव में मनुष्य भव उन्हीं का सार्थक है। धन्य कहलाने योग्य वे ही जीव है जिन्होंने मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके यह कार्य किया, अर्थात जिन्होंने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके संसार का अभाव किया और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की, वे ही जीव धन्य कहलाने के योग्य है। संसार में और किसी की पर्याय धन्य कहलाने के योग्य नहीं है। धन्य वे ही कहलाने के योग्य है जिन्होंने कि अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगाया है और जिन्होंने इस संसार का अभाव करने की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। धन्य धन्य है वे जीव नरभव पाए यह कारज किया। धन्य है वे जीव जिन्होंने कि मनुष्य भव प्राप्त करके रत्नत्रय को प्रकट करने का कार्य किया और मोक्ष को प्राप्त करने का कार्य किया। संसार में और दूसरे कार्य तो सारे लोग करते हैं, संसार में राजा बनने का काम, संसार में धनवान बनने का काम, संसार के अंदर बड़े बड़े पदों को प्राप्त करने के लिए तो पूरी दुनिया दौड़ती है, लेकिन इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अनंतों में कोई एक जीव लालायित होता है और वही जीव वास्तव में धन्य कहलाने के योग्य है। धन्य मनुष्य भव उसी का है, धन्य भाग्य उसी का है, धन्य वही जीव है। मनुष्य भव की सार्थकता उसी ने प्राप्त की है, उसी का मनुष्य भव सफल हुआ है जिसने कि अपने मनुष्य भव को मोक्ष मार्ग में लगाया है। ये मनुष्य पर्याय संसार के अभाव करने के लिए हमें मिली है। जिन जीवों ने इसको धर्म में लगाया है, अपना जीवन धर्म के लिए समर्पित किया है, जिन्होंने भी व्रतादिक अंगीकार करके और अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगाया है, वास्तव में वे ही जीव धन्य कहलाने के योग्य है। कहाँ तो जीव निगोद अवस्था में था और निगोद अवस्था से उसने पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति की पर्याय प्राप्त करके, प्रत्येक वनस्पति की पर्याय प्राप्त करके दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री बना। पंचेंद्री के अंदर असंगी पर्याय को प्राप्त करके मनुष्य बना। मनुष्य के अंदर उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, न केवल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की, अपितु अपने जीवन में एक देश पापों का त्याग करके अणुव्रत धारण किए। अणुव्रतों के साथ में 12 प्रकार के व्रतों को धारण किए। 12 प्रकार के व्रतों को धारण करने के बाद क्रमशः उसने अपनी प्रतिमाओं को आगे बढ़ाते हुए अपनी विशुद्धि को वृद्धिगत किया और इस प्रकार से धीरे धीरे जब उसके परिणामों में अत्यंत वैराग्य उत्पन्न हुआ
तो उसने मुनि दीक्षा अंगीकार की। मुनि दीक्षा अंगीकार करने के बाद में उसने अपने आत्मस्वरूप की लीनता द्वारा, शुद्धोपयोग द्वारा शुक्ल ध्यान की साधना की और छपक श्रेणी पर आरोहण किया। छपक श्रेणी के आरोहण द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत अवस्था प्रकट की। अनंत अवस्था प्रकट करने के बाद कुछ समय काल बाद वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। ऐसे ही जीव वास्तव में धन्य कहलाने के योग्य है। संसार में इस जीव ने अनंते बार अनंते राजाओं का प्राप्त किया, अनंते बार ये सोना खूब प्राप्त किया, अनंते बार ये धनिक बना, अनंते बार इसने बड़े से बड़े पदों को प्राप्त किया। लेकिन इस संसार में यदि कोई प्राप्त नहीं किया तो इसने संसार के अभाव करने रूप रत्नत्रय को प्राप्त नहीं किया। धन्य भाग्य उन्हीं का है। बोधि दुर्लभ भावना के अंदर हमने पढ़ा है, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। संसार में सोना प्राप्त करना, स्त्री प्राप्त करना, राज्य सुख प्राप्त करना, ये सब सुलभ है। इनमें मनुष्य पर्याय की सार्थकता नहीं है। वे जीव धन्य कहलाने के योग्य नहीं है। आज हमें उन जीवों की महिमा आती है किनकी, जो पुण्य के उदय से बड़े बड़े पदों पर अधिष्ठित है। लेकिन वास्तव में वे पद तो हमने भी अनंत बार प्राप्त किए हैं। धन्य तो वही कहलाने के योग्य है जिन्होंने सिद्धत्व अवस्था की प्राप्त की है। आगे इसके अगली पंक्ति में दौलतराम जी कहते हैं, तिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। अर्थात उन्होंने ही अनादि काल का जो संसार भ्रमण था पंच प्रकार का, उसको त्याग करके वो उत्कृष्ट सुख को प्राप्त किया। धन्य है वे जीव जिन्होंने की सिद्धत्व अवस्था की प्राप्ति की और अनादि संसार का अभाव किया, पंच परावर्तन रूप संसार का अभाव किया और उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति की। क्या है वे पंच परावर्तन संसार, क्या है वो उत्कृष्ट सुख, इसकी चर्चा हमें कल विराम के बाद करेंगे। जय जिनेन्द्र छहड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। सिद्ध भगवान के स्वरूप का वर्णन चल रहा है, अंतिम पंक्ति की चर्चा करना बाकी थी। तिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया, अर्थात उन्होंने ही जिन्होंने की सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की, उन्होंने ही अनादि काल का जो संसार था जो कि पंच प्रकार का था, तिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार अर्थात अनादिकाल से जो संसार का पांच प्रकार का परिवर्तन था, अनादिकाल से जो संसार में जीव का परिभ्रमण था, अनादिकाल से जो जीव संसार में घूम रहा था, उसको त्याग करके और उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति की। पांच प्रकार का अनादिकाल का जीव का संसार है। कौन से हैं पांच प्रकार? तो उन पांच प्रकार के नाम है द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। इसकी चर्चा हमने संसार भावना में विस्तार से की थी। वास्तव में प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय से युक्त होती है। हर वस्तु का परिचय हमें देना हो तो हम चार चीज़ों से देंगे, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। किसी भी व्यक्ति का यदि नौकरी के लिए भी यदि उसका परिचय बनाना हो अथवा उसके विवाह के लिए उसका परिचय बनाना हो तो हम इन चार चीज़ों का परिचय अवश्य देंगे। क्या है उसका नाम, क्या उसका एड्रेस है अथवा उसका पता क्या है, क्या उसकी उम्र है और क्या उसकी योग्यताएं हैं। ठीक उसी प्रकार हमें परिभ्रमण का भी स्वरूप प्राप्त करना है तो परिभ्रमण को भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के माध्यम से समझाया है। कैसा है वो परिभ्रमण, उसके अंदर किस प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है, पुद्गलों को एक बार ग्रहण करने के बाद में दूसरी बार पुनः उन पुद्गलों को ग्रहण करने में कितना काल लगता है, तो जो पुद्गल की अपेक्षा से जो चर्चा होती है उसका नाम है द्रव्य परिवर्तन। क्षेत्र की अपेक्षा से जब हम परिवर्तन की बात करेंगे तो उसका नाम होगा क्षेत्र परावर्तन। जब हम परावर्तन को काल की तरफ से समझेंगे तो उसी का नाम कहलाएगा काल परावर्तन, और जब हम परावर्तन को भाव की अपेक्षा से समझेंगे तब वह कहलाएगा भाव परावर्तन। इस प्रकार से पांच प्रकार का परावर्तन इस जीव का अनादिकाल से चला आ रहा है। आप कह सकते हैं कि आपने तो चार ही परावर्तन कहे, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, अब ये भव परावर्तन कहाँ गया? तो वास्तव में भव परावर्तन काल परावर्तन का ही एक भेद है।
यदि क्षेत्र परावर्तन का स्वरूप कहें तो क्षेत्र परावर्तन के दो भेद हैं, स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन। स्वक्षेत्र परावर्तन अर्थात आत्मा के शरीर की अवगाहना जब क्रम से बढ़ती है और क्रम से बढ़ती हुई सबसे छोटी अवगाहना से लेकर सबसे बड़ी अवगाहना तक को क्रम से यह जीव प्राप्त करता है तो उसका स्वक्षेत्र परावर्तन पूरा कहा जाता है। उसी प्रकार जब वह आकाश के प्रदेशों में क्रम से जन्म धारण करता है और मरण करता है तो उसका परक्षेत्र परावर्तन कहा जाता है। स्वक्षेत्र और परक्षेत्र परावर्तन दोनों मिलकर क्षेत्र परावर्तन कहे जाते हैं। उसी प्रकार से काल परावर्तन को भी हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक स्वकाल परावर्तन एक परकाल परावर्तन। परकाल परावर्तन में उत्सर्पणी और अवसर्पणी के समयों में क्रम से जन्म धारण करना और क्रम से मृत्यु करना है, अर्थात उत्सर्पणी के प्रथम समय में, उत्सर्पणी के दूसरे समय में, उत्सर्पणी के तीसरे समय में, इस प्रकार उत्सर्पणी के 10 कोड़ाकोड़ी सागर कल्पकालों में जितने समय है उतनी बार क्रम से जन्म धारण करे और उतनी बार मरण करे, अर्थात पहले समय में जन्म करे उत्सर्पणी के प्रथम समय में। अब उसकी आयु कम से कम अंतर्मुहूर्त की होगी तो अंतर्मुहूर्त तक जब वह जिएगा तो उत्सर्पणी का दूसरा समय निकल जाएगा, तो उत्सर्पणी के दूसरे समय में उसको जन्म धारण करने के लिए अगली उत्सर्पणी का इंतजार करना होगा। अगली उत्सर्पणी आएगी 20 कोड़ाकोड़ी सागर के बाद। 20 कोड़ाकोड़ी सागर के बाद जो उत्सर्पणी का दूसरा समय आएगा उसमें यदि वह जीव जन्म धारण करेगा तभी उसका वह परावर्तन आगे बढ़ेगा। यदि उसमें उसने जन्म धारण नहीं किया तो अगली बार फिर 20 कोड़ाकोड़ी सागर के बाद जब दूसरा समय आएगा तब वह जन्म धारण करता है तो वह गिनती में आएगा। इस प्रकार से हर एक बार उसको जो अवसर मिलेगा वह 20 कोड़ाकोड़ी सागर के बाद मिलेगा। इस क्रम से वह एक एक समय आगे आगे के अंदर जन्म धारण करे और उस सर्पणी के समय समस्त समयों को अपना जन्म काल बनावे। उसी प्रकार उस सर्पणी के समस्त समयों को अपना मरण काल बनावे, अवसर्पणी के समस्त समयों को अपना जन्मकाल बनावे, अवसर्पणी के समस्त समयों को अपना मरणकाल बनावे। ये कहलाता है परकाल परावर्तन, जिसको हम कहते हैं काल परावर्तन। और स्वकाल परावर्तन में इस जीव की जो आयु होती है वह क्रम से जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक जाती है, अर्थात जघन्य आयु होती है अंतर्मुहूर्त काल की। मनुष्य और त्रियंचों की जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त की होती है। अंतर्मुहूर्त से लगाकर एक एक समय बढ़ाते हुए 3 पल तक की समस्त आयु को जब यह जीव प्राप्त करता है तो मनुष्य और तिरंचों का बहु परावर्तन कहा जाता है। उसी प्रकार देव और नारकियों की जघन्य आयु है 10,000 वर्ष। नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष से प्रारंभ करके 33 सागर तक की जितनी आयु के समय है उन सबको जब जब जीव क्रम से प्राप्त करता है तो उसका नरक का बहु परावर्तन होता है। इसी प्रकार देव में 10,000 वर्ष से 31 सागर तक जाते हैं। तो ये जो परावर्तन है ये मनुष्य की आयु की अपेक्षा से बताया है, जीव के स्वकाल की अपेक्षा से बताया है। इसी स्वकाल परावर्तन को हमने एक अलग नाम दिया और कह दिया भव परावर्तन। वास्तव में भव परावर्तन काल परावर्तन का ही दूसरा रूप है। यही कारण है कि ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अंतर्गत पांचों परावर्तन समाहित हो जाते हैं। काल परावर्तन के हम दो भेद कर सकते हैं, स्वकाल परावर्तन एक परकाल परावर्तन। स्वकाल परावर्तन में भव परावर्तन है और परकाल परावर्तन में काल परावर्तन है। इस प्रकार भव परावर्तन भी काल परावर्तन का ही दूसरा रूप है। जिस प्रकार क्षेत्र परावर्तन के दो भेद है स्वक्षेत्र और परक्षेत्र, उसी प्रकार काल के भी हम दो भेद करके एक परकाल को काल परावर्तन नाम से कहते हैं और स्वकाल को भव परावर्तन नाम से कहते हैं। वास्तव में भव परावर्तन काल परावर्तन ही है। इस प्रकार से परावर्तन तो वास्तव में 5 कहे जाते हैं लेकिन वे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अंदर 4 आ जाते हैं, अर्थात चतुष्टय के अंदर द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन 4 में ही 5 परावर्तन समाहित है। द्रव्य परावर्तन में द्रव्य, क्षेत्र परावर्तन में क्षेत्र, काल परावर्तन में काल और भाव परावर्तन, और भाव परावर्तन में भाव स्वरूप। इस प्रकार 4 द्रव्य क्षेत्र काल भाव में 5 परावर्तन समाहित है। ये 5 परावर्तन जीव अनादि काल से कर रहा है। एक एक परावर्तन का काल अनंत सागर है। द्रव्य परावर्तन का काल अरे द्रव्य परावर्तन के अनंतवे भाग में अनंत सागर होते हैं और ऐसे द्रव्य परावर्तन से अनंत काल, द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना काल क्षेत्र परावर्तन में लगता है। क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना काल काल परावर्तन में, काल परावर्तन से अनंत गुना काल भाव परावर्तन में, और भाव परावर्तन से अनंत गुना काल भाव परावर्तन में लगता है। और ऐसे अनंत भाव परावर्तन भी इस जीव ने अनंत बार किए हैं। तो वह जीव धन्य है कि जिन्होंने इन 5 प्रकार के परावर्तनों का त्याग करके
संसार के अनंत दुखों का अभाव करके, संसार के जन्म मरण रूपी दुखों का अभाव करके, राग द्वेष की भट्टी में जलना बंद करके और अब मोक्ष के उत्तम सुख को प्राप्त किया है। जिनका अब संसार परिभ्रमण अभाव हो चुका है, जो पांच प्रकार के संसार में घूमते नहीं, जो एक गति से दूसरी गति में जन्म नहीं लेते, एक गति से दूसरी गति में नहीं जाते, जिनके चार गति का अभाव हो गया है, जिनके पंच परावर्तन संसार का अभाव हो गया है, जिनका 84 लाख योनियों में जन्म लेना अभाव हो चुका है, जिनका 197 लाख करोड़ कुलों में जन्म का अभाव हो चुका है, जिनके गति का, इंद्रियों का, काय का, योग का, वेद का, कषाय का, इन सब का अभाव हो चुका है, और जिन्होंने अनंत उत्तम आत्मिक सुख को प्राप्त किया है और पंच परावर्तन रूप संसार का अभाव किया है, वास्तव में वे ही जीव धन्य हैं, उन्हीं की मनुष्य पर्याय धन्य हैं जिन्होंने सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया है। इस प्रकार से हमने उन जीवों को धन्य कहा जिन्होंने की संसार का अभाव करके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की। हम आप सब भी इस मनुष्य पर्याय को धन्य बनावे, मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाने पूर्वक। इसी भावना के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। कल हम समझेंगे और दौलत राम जी मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से प्रेरणा देते हैं। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। पाठशाला सार। मनुष्य भव उन्हीं का सार्थक है जिन्होंने अनादि दुख रूप संसार का अभाव करने का पुरुषार्थ किया है। हमें भी अपने मनुष्य भव को सफल करने हेतु रत्न त्रय प्रकट करना चाहिए।